केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक लाभ देना है। अभी तक सरकार ने किसानों को इस योजना के तहत 15 किस्त दे दी है। अब 28 फरवरी 2024 को किसानों के अकाउंट में 16वीं किस्त भी आ जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी इस दिन देश भर के किसानों के अकाउंट में ये किस्त डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजेंगे। पीएम किसान योजना में किसानों को सालाना 6000 रुपए की राशि दी जाती है। ये राशि किसानों को हर 4 महीने के बाद किस्त के तौर पर दी जाती है। हर किस्त में किसानों के अकाउंट में 2000 रुपए आते हैं। अब सरकार ने 16वीं किस्त जारी करने की तारीख की भी घोषणा कर दी है। सरकार ने देश के सभी किसानों के लिए ये स्कीम शुरू की है। इस योजना का लाभ किसी भी वर्ग के किसान आसानी से उठा सकते हैं। हालांकि योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को ईकेवाईसी और जमीन का सत्यापन करना जरूरी है। जिन किसानों ने ईकेवाईसी और जमीन सत्यापन नहीं किया है, उन्हें 16वीं किस्त के लाभ से वंचित रहना होगा। अगर आपने भी पीएम किसान स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको जल्द से जल्द स्टेटस चेक करना चाहिए। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना के आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाना होगा। इसके बाद नो योर स्टेटस पर क्लिक करें। अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरें। इसके बाद सभी जानकारी को भरें और गेट डिटेल्स पर क्लिक करें। अब आपको स्क्रीन पर स्टेटस शो हो जाएगा।